ओम शांति। दादी निर्भर शांता जी के प्रति वतन का संदेश गुलजार दादी द्वारा। आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो हमारे सामने बाबा आ गए। ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे बाबा के नैनों में एकदम प्यार का सागर है। कुछ समय के बाद मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, आओ बच्ची, तुमको एक दृश्य दिखाते हैं। तो बाबा अपने साकार वतन के कमरे में लेकर गए। वहां जाकर मैंने देखा कि दादी निर्मल शांता बाबा की गद्दी पर आराम से फरिश्ते रूप में बैठी है। जो गद्दी बहुत सुंदर लग रही थी, मैं देख करके बड़ी खुश हो रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची अपनी तबीयत से बहुत थक गई थी और सभी के प्यार ने भी इसको थका दिया था, क्योंकि सब इसको बड़े प्यार से देखते थे। इसको देखते सबको ब्रह्मा बाबा की याद बहुत आती थी। ब्रह्मा बाबा की शक्ल के नैन चैन इसके चेहरे में दिखाई देते थे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची बड़ी थक गई, इसलिए मैंने फरिश्ता बना के इसको बिठा दिया। तो फरिश्ते रूप में वो हमसे मिली और उनकी आंखों में जैसे इसे दैवी परिवार का बहुत बहुत प्यार अनुभव हो रहा था। फिर बाबा भी मेरे साथ ही थे, तो जैसे ही बाबा को देखा तो बाबा की गोदी में समा गई। बाबा ने कहा, इसको थकावट बहुत है, इसलिए ये ऐसे ही समा गई है। जैसे छोटा बच्चा एकदम चिपक जाता है, ऐसे वो बाबा के साथ चिपक गई, जैसे बाबा और वह एक हो गए। थोड़े टाइम के बाद बाबा ने मुझे देखा और कहा, बच्ची आज आप किसकी याद लाई हो? मैंने कहा, बाबा सभी की याद लाई हूं, ईस्टर्न जोन के भी बहुत से भाई बहने आए हैं और जिनकी सेवा का टर्न भी है वो आए हैं साकार वतन में। तो बहुत बड़ा मेला लगा है, तो बाबा ने कहा, बाबा भी हर बच्चे की याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, हर एक बच्चा भी वर्तमान समय एक ही श्रेष्ठ संकल्प में है। तो मैंने कहा, बाबा वो कौन सा संकल्प है? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी हर एक बच्चे को ये संकल्प है कि बाबा ने इतना जो हम लोगों को प्यार दिया है, पालना दी है, इतने खजाने दिए हैं,
उसका रिटर्न अब बाबा को दिखाना ही है। तो बाबा ने सभा को इमर्ज किया, यहां तो थोड़े बैठे हैं लेकिन वहां बहुत बड़ी सभा थी। तो सभा को इमर्ज करते हुए कहा कि मेजॉरिटी के मन में अब यही संकल्प है कि मुझे ब्रह्मा बाबा के समान बनकर ही दिखाना है। तो बाबा सभा को देख करके खुश हो रहा था और सबके दिल का संकल्प बाबा तक पहुंच रहा था। बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देते, बच्चों के संकल्प को कैच कर रहे थे और बहुत मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने जो इस जोन की हेड्स हैं उन्हों को इमर्ज किया और बहुत बहुत मीठी दृष्टि दी। फिर ये जो सेवाधारी हैं, रुक्मिणी बहन तथा उनके साथी, इनको आगे किया और रुक्मिणी बहन एकदम जैसे गोदी में समा गई। ये भी ऐसे ही हो गई जैसे एकदम छोटा बच्चा चिपक जाता है। ऐसे ये बाबा की गोदी में समा गई। बाबा ने कहा बच्ची ने बहुत अच्छी दिल से सेवा की है और बच्ची के मन में सदा यही है कि बाबा को कुछ करके दिखाना है। इनके संकल्प बहुत शुद्ध हैं, फालतू नहीं है, इसलिए बाबा ने इनको संदेशी का पार्ट भी दिया है। और दूसरी जो जॉन की हेड्स थी उनको बहुत अच्छी दृष्टि देते बाबा ने कहा अभी इस जॉन का कुछ विचित्र पार्ट देखना है। बाबा एक एक को ऐसे हाथ में लेते मिलन मनाए रहे थे। बाबा ने कहा सभी इस जॉन की कमाल करके दिखाए, कोई नवीनता करके दिखानी है। तो सभी बहुत प्यार की गोदी में जैसे समाये हुए थे। फिर बाबा ने पूरी सभा को इमर्ज करके लाइन में एक एक को बहुत पावरफुल दृष्टि दी। जिसको बाबा दृष्टि देता था वो जैसे प्यार में और शक्ति रूप में खो जाता था। ऐसे बाबा एक एक के पास जाकर के आज दृष्टि दे रहे थे। ये दृश्य भी देखने लायक था। मैंने देखा आज बाबा को बच्चों के प्रति बहुत बहुत प्यार आ रहा था। फिर बाबा ने कहा हर एक बच्चा बाबा की उम्मीदों का सितारा है। कोई ने कहा ईस्टर्न जोन की टीचर्स को तथा पांडवों को दादी ने सभा के बीच में खड़ा किया। पांडव भी कम नहीं है तो शक्तियां भी कम नहीं है, अभी दोनों को कमाल करके दिखाना है। अभी जोन से ऐसे समाचार आएंगे, फिर निर्मल शांता दादी सामने आई, मेरे को गद्दी पर बिठाया और कहा गुलजार तुम आई हो। मैंने कहा देखो आपके लिए कितने भाई बहने आए हैं, आपके जोन के सब मुख्य मुख्य आ गए। तो बाबा ने दादी को
सभी जो उनके भाई बहनों के आगे खड़ा किया। दादी भी बहुत मुस्करा के एक एक को दृष्टि दे रही थी। बाबा ने निर्मल शांता को कहा कि अभी देखना है ये जोन कमाल करेगा, फिर तुमको ही मर्ज करके सुनाएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। कौन सा जोन कमाल करेगा? ईस्टर्न जोन। तो वो भी खुश हो रही थी। बाबा ने कहा कि जैसे इसने शुरू से लेकर विशेष सेवा की है, बाबा ने बच्ची के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, लेकिन बच्ची ने एक्स्ट्रा करके दिखाया। इस बच्ची ने जो त्याग किया, शादी भी की हुई थी, एक बच्ची भी थी, लेकिन जो त्याग किया वो त्याग बहुत अच्छा किया। त्याग माना त्याग, फिर जरा भी वृत्ति नहीं गई। बच्ची पर बाबा खुश है। बच्ची ने कोई भी ऐसी खिटखिट वाली बात जीवन में नहीं लाई, बहुत लाड़ प्यार से चली और लाड़ प्यार से अपनी सेवा करके बाबा के पास आ गई। अभी इसका पार्ट क्या चलता है वो पीछे सुनाऊंगा। पार्ट कहाँ चलता है? सूक्ष्म वतन में चलता है या साकार वतन में चलता है? लेकिन बच्ची की रिजल्ट अच्छी है, बाबा खुश है और बच्ची भी खुश है। ऐसे करके बाबा ने उनको फिर से अपनी गोदी में समा दिया और मेरे को छुट्टी दे दी। मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। फिर है 28/3/13 का निर्मल शांता जी के निमित्त वतन का दिव्य संदेश शशि बहन के द्वारा। आज सतुआ सदगुरुवार के दिन पूरे ब्राह्मण परिवार की याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो दूर से बाबा आ रहे थे। बाबा का स्वरूप बहुत ही लाइट, स्नेही और प्यार से भरा हुआ था। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। उस समय बाबा को सेकंड के लिए दृष्टि देते रहे। मैंने कहा, आज तो पूरा ब्राह्मण परिवार अपनी प्यारी प्यारी परदादी को याद कर रहा है। खास उनके निमित्त सबने बहुत याद दी है। बाबा मुस्कराए और कहा, परदादी से मिलना है? तो बाबा ने कहा, उस तरफ देखो। तो सामने देखती हूं एक बहुत सुंदर डिजाइन का महल जैसा बना हुआ था। महल के बाहर एक स्थान पर बहुत सुंदर बच्चा था। उसके पास बहुत सुंदर खिलौने हीरे जवाहरातों से सजे हुए। दूसरी तरफ देखती हूं तो
तो साकार बाबा का स्वरूप दिखाई दे रहा था। क्या कहा? किस तरफ? दूसरी तरफ। उस स्वरूप के सामने अनेक भाई बहने खड़े थे। वो कहते थे कि बाबा को देख लिया, बस अब हमने बाबा को देख लिया। तीसरी तरफ देवी का स्वरूप था। वहां बहुत भक्तों की लाइन लगी हुई थी। कुछ समय के बाद जब ये दृश्य पूरा हुआ तो देखती हूं कि दूर से बाबा आ रहे हैं। बाबा के साथ दादी निर्मल शांता हाथ पकड़ के चली आ रही है। पास आने पर मैंने पूछा, दीदी आप कहां चली गई थी? तो बोलती हैं, क्यों, बाबा तो मुझे सैर करा रहा है और बाबा मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा रहा है। बाबा ने कहा, ये बच्ची शुरू से लेकर के बाबा की विशेष रत्न रही है। इसमें छाप दिया है, बाबा की विशेष रत्न नहीं है। अज्ञान काल में भी रत्नों से खेली है, रत्नों के समान ही पली है और प्रिंसेस की तरह चली है। ब्राह्मण परिवार में यज्ञ के अंदर भी ये बच्ची विशेष रत्न के रूप में चलती रही। बाबा ने कहा, इस बच्ची को देखते ही वो बाबा के बच्चे जिनको सदा उलहना रहता था कि हमने साकार में बाबा को नहीं देखा, इस बच्ची ने साकार बाबा के न मिलने के उलहने को भी पूरा किया। बच्ची बाप समान ही होकर के गुणों से भरपूर रहती थी, औरों को भी भरपूर करती थी। बच्ची ने न केवल साकार बाबा का अनुभव कराया, जहां पर भी खड़ी हो जाती थी तो लोग बच्ची को इष्ट के रूप में देखते थे। ये भक्तों की अनेक मनोकामनाएं पूर्ण करती थी, जिसके कारण अनेक भक्त और ब्राह्मण परिवार याद कर रहे हैं। बच्ची ने यज्ञ के फाउंडर के रूप में गुप्त रीति पार्ट बजाया है। कब की बात? किस समय की बात बताई? आदि में यज्ञ के फाउंडर के रूप में गुप्त पार्ट बजाया। आदि सो अंत भी होता है, इसलिए बच्ची पर बाबा की और यज्ञ को और निमित्त बनी हुई दादियों को बहुत नाज है। दादी बहुत डिटैच होकर सुन रही थी और कहती थी, मैंने क्या किया बाबा, ये तो सब आपने ही किया है। मैंने कहा, आज खास मधुवन से भोग लेकर आई हूं तो उसी समय क्या देखती हूं कि बाबा और बाबा के साथ दादी
और सामने अर्ध चंद्रमा के रूप में बहुत सारे सजे सजाए थाल रखे हुए। बाबा ने कहा, बच्ची देखो, कहते हैं कि 56 प्रकार का भोग है क्या? बाबा ने कहा, देखो देखो, तो उसमें 108 प्रकार के थाल थे। उनके पीछे अनेक प्रकार की डिजाइन के फूलों की मालाएं थाल में रखी हुई थी। बाबा और दादी धीरे धीरे चक्कर लगाते दृष्टि दे रहे थे, तो सारी मालाएं जो थाल में रखी थी वो दादी के गले में पड़ गई। बाबा ने कहा, ये स्नेह की मालाएं हैं, जिन जिन को आपने इतना सुख दिया है वो सभी आपको याद कर रहे हैं। आज चारों तरफ दादी के निमित्त भोग था, तो वो भी सारा दृश्य दादी को दिखाया। फिर बाबा ने कहा, इसे खोलो। तो कहती है कि मैं अकेले थोड़े ही खाऊंगी, दादी को भी बुलाओ। तो बाबा ने सबको इमर्ज किया, साकार में जो दादियां हैं, साथ में वरिष्ठ भाई और दूसरी तरफ एडवांस पार्टी वाले भी बैठे थे। और बीच में वो बैठी थी, तो कहती है कि एडवांस पार्टी वाले बहुत सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा, आपका भी तो अभी ये सेवा कर, आपको भी अभी ये सेवा करनी है ना? कौन सी सेवा है? जो एडवांस पार्टी वाले सेवा कर रहे हैं वो सेवा आपको भी करनी है ना? कैसे है? हाँ हाँ, कोई में प्रवेश करके आपको भी वही सेवा करनी है जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि एडवांस पार्टी के एडवांस ज्ञान का राज क्या है। बाबा ने कहा, आप इन सब को खिलाओ। तो कहती है, नहीं, आप सबको खिलाओ। तो जैसे ही वो खिलाने लगी तो बाबा ने सबसे पहले उसके मुख में गिट्टी डाल दी। मैंने कहा, दादी आपको सब याद दे रहे हैं, खासकर ईस्टर्न जोन, रुक्मिणी बहन और उनके साथी, कलकत्ता के साथी और मधुबन के सभी याद दे रहे हैं। तो कहती है, मैं भी तो याद करती हूँ, उनके मेरा स्लोगन याद है, सदा हंसते रहो सदा हंसते रहो। और बाबा को साथ ही रखेंगे तो सदा मस्त में रहेंगे, हंसते रहेंगे। फिर मैंने कहा, दादी सबके प्रति कुछ कहना है? तो कहती है, जैसे बाबा हम बच्चों से चाहता है कि हम बाप समान बने, तो अपने चेहरे द्वारा ही सबको बाप का अनुभव कराए,
बाप को प्रत्यक्ष करे। ईस्टर्न जोन के लिए बाबा ने कहा बोलो, वो कहती है कि बाबा की गद्दी है, गद्दी भी है, और ईस्टर्न जोन के लिए बाबा को गुरु शुरू से ही बहुत नाज रहा है। बाबा को सदा नाज रहा है कि ईस्टर्न जोन वाले मिलकर के कुछ विशेष कार्य करें जो सबके सामने उदाहरण रूप बने। बाबा ने कहा बच्ची का एक शुभ संकल्प है। बाबा ने जब इसको कहा था तो बच्ची ने हां कर दिया था। बच्ची के अंदर सदा रहा कि बाप समान दाता, दयालु और वरदाता बनकर के रहना है। बच्ची दिल की बहुत विशाल थी, कोई भी आए उनको खाली हाथ नहीं भेजती थी, अपने स्वरूप के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करती थी। जैसे इसको पता था कि एक में तीन है, किसको पता था है? निर्मल शांता दादी को ये पता था कि एक में तीन है, कौन कौन तीन बंदा पता था। कब की बात बताई? पास्ट की बात बताई। कौन से पास्ट की बात बताई? पता था कि एक में तीन है, तब की बात बताई जब यज्ञ में प्रजापिता का वर्चस्व था। लेकिन बाबा को साथ ही बना के चलती रही। लोगों को देखने में क्या आया? किसको साथ ही बना के चलती रही? कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को साथ ही बना के चलती रही तो अनेकों को अनुभव कराए। जैसे बच्ची थी वैसे बच्ची भी चाहती है कि सब मिलकर के सेवा करें, फिर सबको याद प्यार दिया। मैंने कहा रुक्मिणी बहन, कलकत्ता से मधु बहन, कानन बहन, बिंदु बहन सब ने याद दिए, तो बहुत हंसती है और कहती है बाबा साथ है ना, उनसे कहना बाबा को साथ ही बना करके रखे। जैसे प्यार से इस रथ को संभाल की है और अथक होकर के सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही सदा याद रखें कि बाबा साथ है, साथी है बाबा, और बाबा ही करण करावन हरे है। लेकिन बाबा कहते हैं एग्जाम्पल बनकर के चलेंगे तो दूसरों को भी अनुभव कराते रहेंगे और फिर सभी सेवा साथियों को याद दिए। बाबा ने कहा इन सभी सेवा साथियों ने बहुत लगन से सेवा करते हुए दादी को ये अनुभव नहीं होने दिया कि दादी कोई अकेले है। दादी ने भी कभी चूं की आवाज नहीं की, सदा एकदम मुस्कुराते हुए हल्के होकर के चलती रही। ऐसे ही सबको भी ऐसा ही बनकर के एग्जाम्पल बनना है। फिर दादी ने सबको याद दी और मैं वापस आ गई। आज का प्रातः क्लास है सोमवार
21 अक्टूबर 1963 का, बंबई में चलाई हुई क्लास है। रिकॉर्ड चला है। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। बाबा पूछते हैं बच्चों से, क्योंकि इस समय में बाप भी जीवात्मा है, किस समय में है, 63 की बात है, वाणी कब की है, 63 की, और इस समय किस कौन से समय के लिए बोला, तो क्या 63 तक अथवा बाबा जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक के लिए ही जीवात्मा बनकर रहे पूरे संगम के लिए। इस समय अर्थात सारा ही संगम युग बाप क्या बनकर के रहता है, शिव बाप जीवात्मा बनकर रहता है। वो कहते हैं इस समय में इस जीव में मुझे परमात्मा माना परमात्मा ने प्रवेश किया है, इसको हम जीव परमात्मा तो नहीं कहेंगे ना, ये शोभता नहीं है। कभी भी शोभता नहीं है, वो तो फिर भी कहते हैं कि मुझे ये शरीर चाहिए ना, जो मैं बैठ करके तुम बच्चों को ऐसा बनाऊं, जीव किस लिए चाहिए, जो मैं बैठ करके माना इस शरीर में बैठ करके तुम बच्चों को ऐसा बनाऊं, माने कैसा बनाऊं, ऐसा कहते थे तो लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा जाता था। तो मुझे ये शरीर चाहिए किस लिए, जो मैं तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊं। तो जिस शरीर के द्वारा ये वाणी बोली, बनाया क्या है, उस शरीर के द्वारा तो नहीं बनाया, तो फिर है नहीं बनाया, उसका कारण क्या है, नहीं कि वो शरीर आदि का नहीं था, मध्य में 47 से पार्ट बजाया उस शरीर के द्वारा, उनका टाइटल था प्रजापिता ब्रह्मा, ओरिजिनल प्रजापिता नहीं था, क्योंकि कलह युग में कोई भी विश्व का महाराजन या विश्व की महारानी नहीं है। सतयुग में है, है? सतयुग में भी सतयुगी महाराजन तो है, लेकिन विश्व का महाराजन कोई नहीं है। और बाबा ने क्या विरोध सुनाया कि मैं जीवात्मा में बैठ कर तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाऊं, ऐसा कहकर के जिस लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया वो सतयुग का लक्ष्मी नारायण है चित्र,
या संगम युग का विश्व महाराजन है, प्रकाश के घेरे में दिखाया गया है। इसका मतलब ज्ञान प्रकाश के घेरे में रहने वाला है जो भक्ति मार्ग में विष्णु को कहाँ दिखाते हैं, क्षीर सागर में रहे दिखाते हैं। तो देखो कलयुग में भी कोई विश्व महाराजन विश्व महारानी नहीं, तो सतयुग में भी कोई विश्व महाराजन और विश्व महारानी नहीं होती। विश्व तो छोड़ो, परंतु कोई गांव का भी महाराजा महारानी नहीं है। अगर कोई है तो वो बेचारा पैसा देकर के खरीदा गया है, अंग्रेजों को ढेर सारा पैसा देते थे और महाराजा का टाइटल ले लेते थे। तो देखो बेचारों ने पैसा देकर के टाइटल खरीदा, क्यों? ये ला निकला था कि कोई भी अपन को महाराजा महारानी कहलाई नहीं सकते हैं, फिर भी कुछ न कुछ रकम देने से उनको महाराजा और महारानी का टाइटल चलाने के लिए कुछ टाइम के लिए छुट्टी मिल जाती है। ऐसे ही जैसे जब यूरोपियन गवर्नमेंट का राज्य था तो पैसा देने से राजा रानी या महाराजा महारानी का टाइटल मिल सकता था, शूटिंग कहाँ होती है, कैसे सीटें मिलती हैं जी? हैं? सीटें मिलती हैं डायमंड हॉल में पैसे देकर, थोड़े समय के लिए ब्राह्मणों के विषय में बहुतों की बुद्धि में बैठ जाता है कि ये महाराजाएं बनने वाले हैं, परंतु वो कोई भी विश्व महाराजन नहीं होते हैं। टाइटल भले मिल जाता है कुछ समय के लिए, बुद्धि में बैठ जाता है कि ये महाराजा महारानी बनने वाले हैं, तो अब भी ये क्या हुआ, कांग्रेस ने सबका जो महाराजा महारानी राजा रानी टाइटल था तो वो सब बाद में छीन लिया। अभी महाराजा महारानी का टाइटल चल रहा है या छिन गया है? अच्छा, फिर शूटिंग कहाँ होती है, है? संगम युग में भी एक ऐसा टाइम आता है, ये जो झूठा झूठा बुद्धि में बैठाया गया है वो बात बुद्धि से उड़ जाएगी। फिर भी पैसा तो बांटते हैं ना सब कुछ, पैसे देने से कोई का भी फिर महाराजा महारानी टाइटल रिन्यू हो सकता है। जैसे कश्मीर का राजा करण सिंह था ना, तो उनको आगे सब मिस्टर कहते थे, अभी उन्होंने टाइटल खरीद लिया तो उनको महाराजा कह सकते हैं। फिर भी वो कोई विश्व का महाराजा तो नहीं है ना, वो तो भारत के भी नहीं है। वो ये गांवड़े के हैं, और अभी ये कौन है? भारतवासी कहेंगे कि ये भारत में श्री लक्ष्मी विश्व महारानी श्री नारायण विश्व महाराजन थे।
और विश्व कहा जाता है ये सारी सृष्टि। विश्व में सूक्ष्म वतन और मूल वतन नहीं आते हैं। देखो बाप तुम बच्चों की महिमा कैसे करते हैं, बोलते हैं देखो तुम बच्चे यहां इस स्कूल में आए हुए हो तो ऐसा विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने के लिए आए हो। अभी ऐसा कोई दूसरा पूछ सकेगा? और तुम भी बरोबर कहते हो कि बाबा हम अगर श्री सीता और रामचंद्र का भी चित्र साथ में रखेंगे तो पूछेंगे, ऐसा बनना चाहते हो साथ में राम सीता का चित्र हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र, तो कोई पूछे ऐसा बनना चाहते हो? ऐसा हाथ उठाओ, कौन ऐसा बनना चाहते हो? कुछ जगह श्री सीता और रामचंद्र, कोई हाथ ही नहीं उठाएंगे। पूछा था ना उस दिन, तो बोला नहीं हम तो विश्व का जो पहला पहला स्वर्ग है सतयुग का महाराजन बनेंगे, क्योंकि हैं तो वो भी विश्व का महाराजा महारानी। कौन? नहीं, सतयुग के महाराजा महारानी भी हैं तो, लेकिन उस समय विश्व होता है, सारी सृष्टि की आत्माएं मौजूद होती हैं, परंतु राम सीता भी तो त्रेता के हैं, वो भी 14 कला हो गए ना। कहेंगे हैं बेशक विश्व के, अभी तुम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के मालिक कैसे? राज्यसभा लगती है तो प्रजावर्ग नीचे बैठे होते हैं, अधिकारी वर्ग भी नीचे होते हैं, और सबसे ऊपर महाराजा महारानी या राजा रानी होते हैं। तो ऐसे ही जो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वो निवास करने वाली अंडे मिसल आत्माएं जो मालिक बन करके रहती हैं, उनकी स्टेज ब्रह्मांड में ऊंची होगी, मध्य में होगी या नीचे होगी? तो वो ऊंची स्टेज वाले तुम हो, तुम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, और जो ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं वो सारे विश्व के मालिक बनते हैं। देखो बाप तुम्हारा मर्तबा कितना ऊंचा करते हैं, क्योंकि परमधाम में भी जो आत्माओं का झाड़ दिखाया है उसमें भी और धर्म वाले नीचे हैं या ऊपर हैं, और तुम्हारा मर्तबा ऊंचे है,
तो देखो तुमने पहले कभी ऐसा देखा? ऐसे बाप को सिर्फ एक दफा देखा जाता है, एक दफा जाना जाता है। उनसे विश्व के महारानी और महाराजा पने का इनहेरिटेंस लिया, सो भी कोई एक दफा थोड़े ही, कल्प कल्प लिया है। तो अभी दिल में कहेंगे कल्प कल्प हम बाबा से इनहेरिटेंस लेते आए। सिर्फ बाबा अक्षर है, दूसरा तो कोई अक्षर नहीं है। परमपिता सिर्फ ये कहेंगे, पिताक्षर कुछ श्रेष्ठ है, बाबा अक्षर उनसे कुछ कम है, परंतु परम बाबा कहना शोभता नहीं है। परमपिता परमात्मा ये शोभता है। परमात्मा माने परमात्मा है आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि परम धाम में रहते हैं। कैसे धाम में? परे ते परे जो धाम है उसमें रहते हैं, उनसे परे कोई रहता ही नहीं। और परम धाम में जो परे ते परे रहते हैं उनके लिए अभी क्या बोला, वो ही क्या बनते हैं? ब्रह्मांड तो परम धाम में ही बात दिखा दी ना, जो ब्रह्मांड के मालिक ऊंचे ऊंचे स्टेज पर रहते हैं वो ही विश्व के भी मालिक बनते हैं। तो फिर परमात्मा माना क्या हुआ? क्योंकि आत्माओं में भी परम और आत्माएं दो प्रकार से हैं, एक भोक्ता और दूसरी अभोक्ता। तो जो अभोक्ता है उसका किसी के साथ पार्ट टैली किया जा सकता है, गुड बेटर बेस्ट नहीं उनके लिए इस लागू होता, वो तो त्रिया है। हाँ, जो भोक्ता आत्माएं हैं, भोगी हैं, उनमें जो परम पार्टधारी है उस परम पार्टधारी में वो आत्माओं का बाप परम पिता प्रवेश करते हैं, तब पहचाना जाता है परमात्मा। तो नाम क्या दिया? परम पिता परमात्मा। परम पिता पहले क्यों, परमात्मा पहले क्यों नहीं? क्योंकि जो आत्माओं के बीच में रह करके परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, उसके ऊपर भी कंट्रोलर कौन है? कोई है या नहीं है? कौन? आत्माओं का बाप परम पिता कंट्रोलर है, तो सुप्रीम है, वो भी परम धाम में रहते हैं। परम को सुप्रीम भी कहा जाता है, क्योंकि बाप सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सदगुरु भी है। उनके ऊपर इस विश्व में, सारे विश्व में कोई बाप नहीं है,
कोई टीचर नहीं है, कोई गुरु नहीं है। सुप्रीम कहा तो गुरु कहा तो सदगुरु ही ठहरा। क्यों? सुप्रीम कहने मात्र से सदगुरु कैसे? क्योंकि कलयुग के अंत में सारी मनुष्य आत्माएं सत्य स्टेज को धारण करने वाली होती है या झूठ को धारण कर लेती है? झूठ को धारण करने वाली बन जाती है। तो एम ऑब्जेक्ट ये है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। गाया भी जाता है इस समय में, सब नुकसान में है। कैसा नुकसान? इस समय में, माने किस समय में? संगम युग का वो हिस्सा जो आदिकालीन हिस्सा है, जहां बाप प्रत्यक्ष नहीं हो पाते, उस समय में सब नुकसान में रहते हैं, और जब प्रत्यक्ष होते हैं तो नंबर बार फायदे में आ जाते हैं। तो इस समय में मनुष्यों में जो भी नशे हैं, मैं कश्मीर का महाराजा हूं, फलाने का महाराजा हूं, मैं करोड़पति अरबपति हूं, पदमपति हूं, मेरे पास 10 फैक्ट्रियों का या 10 कोई बड़े कारोबार का मालिकापना है, उन लोगों को ऐसा नशा रहता है ना, बात मत पूछो उनके नशे में। परंतु यहां कोई राजा वाजा तो है ही नहीं, झूठा नशा है। अब ये रात पूरी होती है किसकी है? अब ये ब्रह्मा की रात पूरी होती है। ब्रह्मा की रात क्यों कहा है? हैं? ये रात किस समय की रात की बात की है? अरे किस समय की वाणी है? 63 की वाणी है। रात क्यों कहा जबकि इतना ज्ञान सुनाती रहे ब्रह्मा के मुख से? हाँ, क्योंकि वाणी तो भल सुनते रहे, ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी सुनी लेकिन समझी किसी ने भी नहीं। तो ये रात पूरी होती है ब्रह्मा की, और फिर दिन होता है सत्य युग। काहे का युग? सच्ची बात सुनने का युग शुरू होगा, तभी तो असली सतयुग आएगा। ये झूठी बातें सुनते रहेंगे तो सतयुग आ जाएगा। उसमें ये विश्व महाराजन और विश्व महारानी बस। कभी भी दूसरा कोई विश्व महाराजन या महारानी बन ही नहीं सकते हैं सिवाय इनके कुल के। किनके कुल के? जो संगम युग में विश्व महाराजन है उनके। क्योंकि कहा जाता है दैवी कुल। अभी तुम इस समय में जानते हो कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। हम बरोबर जो ब्राह्मण कुल के हुए हैं, सो जरूर देवी कुल के भी होंगे। देखो ये बात याद भी रखनी है। बाबा जो नित्य कहते हैं, एक तो अपन को लाइट हाउस समझो,
और बोलता चालता कर्म करता मनुष्य समझो। पानी के जहाज जब चारों ओर से समंदर में तैरते हुए एक ठिकाने लगते हैं तो उस ठिकाने पर एक लाइट हाउस होता है जो घूमता रहता है, दूर दूर के जहाज उसे लाइट हाउस को देख करके नजदीक आ जाते हैं। तो तुमको भी ऐसा ज्ञान का लाइट हाउस बनना है जो सारे विश्व से खींची हुई आत्माएं तुम्हारे नजदीक पहुंच जाए। वो लाइट हाउस तो जड़ होते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं क्या कि जड़ रोशनी देते हैं? वो बनाते हैं जो पोर्ट का रास्ता बताते हैं कि यहां से चल करके पोर्ट में चक्कर लगा के आओ। तो लाइट हाउस तुम भी हो, तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी में है सुख धाम, या तो जीवन मुक्ति धाम कहो और बैठे हो यहां दुख धाम में।